देखिए, गया के एक गालीबाज थाना प्रभारी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसको लेकर गया एसएसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ये गालीबाज थाना प्रभारी जो हैं, वो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुकेश सहनी के बारे में भी उल्टा सीधा बोलते हैं। आगे ऑडियो में सुन देखिए क्या कुछ कह रहे हैं थाना प्रभारी। बोलता है कि हमको वीडियो दीजिए, ये दीजिए, वो मेरा बाप है, वो मेरा डीएसपी है, एसपी है कि मांगेगा हमसे? नहीं, जैसे बोल रहे फुटेज जो है, बड़ी दुख, फुटेज चेक नहीं किए हैं जाके हम। यहाँ तो क्या लग रहा है, चौकीदार बैठा हुआ है यहाँ रे, हम बोल रहे मुकेश सहनी पर उछल रहा है, यहाँ ना जान रहा है मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बैठा हुआ है यहाँ, थोड़ा पता है, पता है, पढ़ लेना मत जाकर, समझ गया ना, भागो यहाँ से। कबाड़ लगा मुकेश सहनी, कबाड़ लगा। जाओ देखा अस्पताल में साला माथा फाड़ दिया, कहाँ रेफर कर रहा है, कहाँ भर्ती कर, बोला नहीं तू उपस्थित करा साला जो घायल है, इसमें धारा बटखारा लगाना है, माथा फाड़ दिया, टांगी काट दिया, तो बंदूक है, सब लिखा है, धारा में केस करेंगे, क्या हम करेंगे, 307 अपना सिर पर गंभीर चोट पड़ा, लाठी रड का जख्म है, हाथ पंजा जख्मी है, 323-41 सिंपल में केस करेंगे, जाओ वहाँ। क्या है रे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तू बड़ी जगह से पैरवी कराता है रे, बड़ी पैरवी कराता है कि अभी कि फोन हम अभी कर रहे हैं, पीए बोल रहे हैं, पूर्व मंत्री कौन सहनी के, मुकेश सहनी के, तो यहाँ चौकीदार बैठा हुआ है का, डर जाएंगे का? थोड़ी बोल रहे हैं सर, लगा वो बोलता है कि हमको वीडियो दीजिए, ये दीजिए, वो मेरा बाप है, वो मेरा डीएसपी है, एसपी है कि मांगेगा हमसे? नहीं, जैसे बोल रहे फुटेज जो है, बड़ी दुख है, फुटेज चेक नहीं किए हैं जाके हम, तू हमारा अनुसंधान करने का तरीका बतावेगा, वो बतावेगा, पुलिस में काम में हस्तक्षेप करने वाला होता कौन है, उरे कौन होता है, न मंत्री भी नहीं है अभी, पूर्व मंत्री है, अब मंत्री हो तो हम नहीं सुनेंगे, क्या कर लेगा मेरा मंत्री, पुलिस का अलग काम है, अब मंत्री का अलग काम है, पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में क्यों हस्तक्षेप करेगा तू, पर भी कराता है बहुत रे तू, बहुत उड़ रहा है, यहाँ तुरा क्या लग रहा है, चौकीदार बैठा हुआ है यहाँ रे, हम बोल रहे मुकेश सहनी पर उछल रहा है, यहाँ ना जान रहा है मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बैठा हुआ है यहाँ, पता है, पढ़ लेना अमर जाकर, समझ गया ना, भागो यहाँ से। कबाड़ लगा मुकेश सहनी, अमर खान कबाड़ लगा। जाओ चलो किस तरह से एक थाना प्रभारी आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके जुबान पर सिर्फ गाली ही गाली नजर आ रही है। हालांकि ये ऑडियो कैसे वायरल हुआ है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस मामले को लेकर गया एसएसपी ने संज्ञान लिया है और इस ऑडियो की जांच चल रही है। ऑडियो की पुष्टि मैं और मेरी टीम नहीं करती। हालांकि ये खबर दैनिक भास्कर में भी लगी है और ये खबर का चर्चा पूरे जिले भर में हो रही है। धन्यवाद।